गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद धनुष सर में। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की सीरीज चल रही है। हमने दो वीडियोज़ इस पर डाले हुए हैं, 1 to 20 एंड 21 to 40। आज के वीडियोज़ में हम 41 to 60 देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियोज़। चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोज अपलोड कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेनिजियंस, वेयर डू दीज लाइन्स अपेयर। मीन्स द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू, मीन्स गुणवान होना बहुत ही रेयर है। देन इन वेनिजियंस, बदला लेना तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण होना बहुत ही रेयर होता है। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लगाया है, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाई प्रोस्पेरो, द टेम्पेस्ट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द टेम्पेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स, ओप्ड एंड लेट एम फोर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट, हु इज़ द स्पीकर। तो दोस्तों, ये लाइनें किसने कही हैं? ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स, ओप्ड एंड लेट एम फोर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट। तो चलते देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए प्रोस्पेरो को लगाया है, उन्होंने अपना आंसर बिल्कुल ही करेक्ट दिया। ऑप्शन नंबर ए प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट इज राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज दिस। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए हैमलेट को चुना है, उन्होंने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हैमलेट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हैमलेट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। दो नोवेस्ट इट इज कॉमन ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, हु सेज एंड टू हूम। दो नोवेस्ट इज कॉमन, ये बात हर कोई जानता है, ये बात बहुत ही कॉमन है। ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, जितने लोग भी जन्म लिए हैं उनको एक दिन मरना है। पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, इस प्रकृति से होते हुए उसे ईश्वर के दरवाजे उसे इटर्निटी तक पहुंचना है। हु सेज एंड टू हूम। सो क्वीन जर्ट्रूड टू हैमलेट इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेल्टी दाई नेम इज वूमेन हु सेज, कमजोरी तेरा नाम, औरत तेरा नाम ही कमजोरी है। दोस्तों, कुछ लोग इसको फ्रेल्टी को बेवफाई कहते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहीं पढ़ा है, और अगर आपने कहीं ऐसा पढ़ा हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो फ्रेल्टी का मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर कमजोरी भी दिखाता है। तो फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, औरत तेरा नाम ही कमजोरी है, ये बात हैमलेट अपनी मदर जर्ट्रूड के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने फादर, क्योंकि किंग हैमलेट की डेथ के तुरंत बाद ही एक महीने के अंदर ही लगभग वो शादी कर लेती है, जिससे वो हैमलेट ये बात कहता है कि औरत अपने आप को कितना कमज़ोर समझ लेती है, और उसीलिए ये लाइन कहता है, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वूमेन, कमजोरी तेरा नाम, औरत तेरा नाम ही कमजोरी है। तो ये बात तो अपने आप से कहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हैमलेट टू हिमसेल्फ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। Four deeds will rise, though all the earth will hem them. To men's eyes, where do these lines appear? तो दोस्तों, ये लाइन किस प्ले में आई हैं? द टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी किंग लियर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी हैमलेट इज़ द राइट आंसर, हैमलेट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हैमलेट इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है,
उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही डायरेक्शन में इनकी तैयारी है, इसी तरह पढ़ते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑन योर स्क्रीन। बी वेरी देन, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। यूथ टू इट्सेल्फ रेबल्स दो नन एल्स नियर। कौन दोस्तों कहता है बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, कि जब हम डरते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। तो ये बात दोस्तों कौन कहता है? ये बात लायर्टिस ओफिलिया का भाई ओफिलिया से कहता है इन हैमलेट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लायर्टिस ओफिलिया इन हैमलेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है? कुछ सड़ रहा है। रॉटन में दोस्त सड़ना होता है। समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इट मीन्स डेनमार्क में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ सड़ रहा है। यहाँ सड़ने से ज़्यादा पकने का मीनिंग है, कुछ लोग कहते हैं उनके घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। दैट इज़ द थिंग हियर, समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये कौन कहता है कि डेनमार्क में कुछ ना कुछ चल रहा है? हु सेज? तो दोस्तों ये बात मार्सेलस कहता है इन हैमलेट। तो मार्सेलस इन हैमलेट ऑप्शन नंबर ए, मार्सेलस इन हैमलेट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, मार्सेलस इन हैमलेट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑन योर स्क्रीन। That one may smile and be a villain. That one may smile and be a villain. Where does this line appear? दोस्तों ये लाइन कहाँ पे आती है? That one may smile, कि कोई एक व्यक्ति हंस सकता है, and smile, और हंस हंस के वो एक विलेन के रूप में बन सकता है। यानी किसी की हालत पे वो बहुत ज़्यादा मजाक उसका बनाते हो तो एक प्रकार से आप एक विलेन के ही रोल में आते हो। तो दोस्तों ये लाइन कहाँ पे आई है? वेयर डज दिस लाइन अपियर? हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। तो ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट इज़ द राइट आंसर, हैमलेट इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑन योर स्क्रीन। हिक एट यूबिक, हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट। वॉट डज इट मीन्स? हैमलेट ये बात, घोस्ट के लिए भूत कौन होता है दोस्तों हैमलेट में? किंग हैमलेट, राजा हैमलेट होता है, जो प्रिंस हैमलेट के फादर होते हैं। और हैमलेट के जो अंकल होते हैं क्लाउडियस, वो उसका मर्डर कर देते हैं उसके कान में पॉइजन डालकर। What does it mean? तो इसका मतलब क्या है? हिक एट यूबिक का मतलब क्या है? हिक इट यूबिक का मतलब है दोस्तों हेयर एंड एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हेयर, हेयर एंड एवरीवेयर। हिक इट यूबिक, हेयर एंड एवरीवेयर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, हु एड्रेसेस दीज लाइंस टू होरेशियो। होरेशियो से ये बात कौन कहता है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, कि पृथ्वी से लेकर आकाश में और भी बहुत चीज़ें हैं होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, तुम्हारी इस फिलोसफी में विश्वास करने से ज़्यादा दुनिया में और भी चीज़ें हैं, ज़मीन से लेकर आकाश तक, अर्थ से लेकर हेवन तक बहुत सी और भी चीज़ें हैं। हु एड्रेसेस दीज लाइंस टू होरेशियो? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हैमलेट होरेशियो से ये बात कहता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हैमलेट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑन योर स्क्रीन। बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट हु शोज।
बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस। कहने का मतलब दोस्तों, जब हमें दिशाएं नहीं मिलती और हम प्रयास लगातार करते हैं तो उस लगातार प्रयास से हमें हमारी सही दिशा भी पता चलती है। तो बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शन आउट हु सेज, ऑप्शन नंबर ए पोलोनियस टू हिज सन, ऑप्शन नंबर बी पोलोनियस टू रेनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी पोलोनियस टू हैमलेट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये लाइंस कही थी द टेम्पेस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1611 एंड इट वॉज द स्वान सॉन्ग ऑफ हैमलेट। स्वान सॉन्ग मीन्स दोस्तों द लास्ट वर्क ऑफ हैमलेट। स्वान सॉन्ग मीन्स लास्ट वर्क ऑफ हैमलेट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, पोलोनियस टू रेनाल्डो। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट हु सेज, पोलोनियस टू रेनाल्डो इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन बी चूज किया है दे हैव गिवन द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑन योर स्क्रीन। डाउट दो द स्टार्स आर फायर, इस बात पे संदेह करो को ये सितारे आग की समान हैं। डाउट दैट द सन डथ मूव, इस बात पे संदेह करो कि सूरज अपनी जगह से हिल सकता है, अपनी जगह से हट सकता है। डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, एक सच्चा एक झूठा हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी भी मेरे प्यार पे संदेह मत करना। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, दोस्तों ये लाइन्स कौन कहता है? तो आपको पता है ये हैमलेट में ये लाइन बोली जाती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हैमलेट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हैमलेट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑन योर स्क्रीन। नाउ लेट सी द क्वेश्चन नंबर 54। फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि हमारी सोच उसको वैसा बनाती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, हम बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइन है ये, इसे याद रखिएगा। फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हमारी सोच किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाती है। हु सेज, ये दोस्तों हैमलेट कहता है किससे? और रोसेनक्रांट्स से कहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हैमलेट टू रोसेनक्रांट्स इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑन योर स्क्रीन। दस कंसाइंस डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज दिस, हमारी अंतरात्मा ही हमको कायर बनाती है। दस कंसाइंस डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, तो जो हमारी अंतरात्मा है, हमारा जो अंतर्मन है, वही हमें कायर बनाता है। अगर हम बहादुरी से किसी चीज़ का सामना करते हैं तो कायरता हमारे नज़दीक नहीं आती। तो ये दोस्तों कौन लाइन बोलता है? ओथेलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डेस्डेमोना, ऑप्शन सी होरेसियो, ऑप्शन डी हैमलेट। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हैमलेट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हैमलेट इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है उन्होंने अपना आंसर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑन योर स्क्रीन। आवर थॉट्स आर अर्स, दियर एंड्स नन ऑफ अर ओन। आवर थॉट्स आर अर्स मीन्स हमारे विचार हमारे हैं, दियर एंड्स नन ऑफ अर ओन, उनसे किसी और का अंत नहीं होता बल्कि हमारा ही होता है। दियर एंड्स नन ऑफ अर ओन, हमारे विचार हमारे हैं, दियर एंड्स नन ऑफ अर ओन, उनसे किसी और का अंत नहीं बल्कि हमारा अपना ही अंत होता है। इट मीन्स अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम बुरे विचार रखेंगे तो हमारे साथ बुराई ही होगी। हु स्पीक्स दिस, ये लाइन कौन बोलता है? तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्लेयर किंग इन हैमलेट, दोस्तों हैमलेट के अंदर एक प्ले होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए उस प्ले का क्या नाम था। उसमें ही एक प्लेयर किंग है, जिन्होंने ये बात कही है, जो किंग के रोल जिस प्लेयर ने किया था उसे प्लेयर किंग कहा गया है और उसने ये बात कही थी। और थॉट्स और अर्स द रेंट्स नन ऑफ अर ओन, सो ऑप्शन नंबर ए प्लेयर किंग इन हैमलेट इज़ द राइट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। दोस्तों अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर ए द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेलो। ऑप्शन नंबर बी द रैट ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट। ऑप्शन नंबर सी द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेगो। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है, आपको इन्हीं तीन ऑप्शन में से चूज करना है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेगो इज़ द राइट आंसर। दोस्तों गोंजेगो और गोंजेलो में डिस्टर्ब हो सकते हैं आप, इसलिए आपको याद रखना है कि गोंजेगो के मर्डर को दिखाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्ले इन प्ले द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेगो इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ। बैप्टिस्टा दोस्तों किसकी वाइफ थी। ऑप्शन ए गोंजेलो, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी गोंजेगो। दोस्तों बैप्टिस्टा जो थी वो गोंजेगो की वाइफ थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गोंजेगो इज़ द राइट आंसर। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ गोंजेगो। क्वेश्चन नंबर 59 इज ऑन योर स्क्रीन। लेट द गैल जेड विंस और विदर्स और अनरंग। हु सेज। दोस्तों ये लाइन कौन कहता है। लेट द गैल जेड विंस और विदर्स आर अनरंग। हु सेज। ऑप्शन ए किंग क्लाउडियस, ऑप्शन बी क्वीन जर्ट्रूड, ऑप्शन सी हैमलेट एंड ऑप्शन डी होरेसियो। तो अपना आंसर दोस्तों बताइए। चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर सी हैमलेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हैमलेट इज द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओ हैमलेट दो हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स इट। ओ हैमलेट दो हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। तो दोस्तों ओ हैमलेट दो हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, ये बात कौन कहता है, हु स्पीक्स इट। तो दोस्तों ये बात हैमलेट की मदर जर्ट्रूड कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए 60 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आगे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।